अरमान के सामने आई अभीरा की सच्चाई, भारी लगने लग गई सगाई की अंगूठी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अरमान ने रूही के साथ सगाई तो कर ली, मगर अब ये अंगूठी उसको भारी लग रही है। कारण यह है कि अब अभीरा की सच्चाई उसके सामने धीरे धीरे खुल रही है। तो आगे जो होगा वो होगा, मगर आज जो हुआ वो देख के बहुत दुख हुआ अभीरा के लिए। अब आगे ये दुख अरमान तक तो पास होगा ही, क्योंकि अरमान को भी चैन कहां है अभीरा को देखे बिना। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हार मानने वालों में से अभीरा नहीं है, ये बात तो पूरी तरह से तय है। आज एक टाइम के लिए वो डोल गई, क्योंकि होता है जब हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि हाथ में पैसे नहीं पेट में भूख है तो इंसान करे तो करे क्या। वहीं पे जहां पे सब भिखारी थे, अभीरा भी वहीं पे थी, कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वहां पे पहुंच गई, और वहीं पे अरमान और रूही भी पहुंच गए खाना बांटने के लिए। अब यहां पे जब अभीरा भी वो खाना लेती है, तो जब रूही और अरमान का वो पड़ती है उसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर जो लिखा हुआ है, तो वो रुक जाती है। वहीं पे वो भिखारी उसको वो प्रेरित करता है कि जो हिम्मत करते हैं वो हारते नहीं है, जो उसके पास पैसे हैं वो भी उसको दे के निकल जाती है। ये तो अभीरा का पार्ट है। अरमान का पार्ट क्या? अरमान सगाई नहीं करना चाहता, उसका दिल नहीं चाहता सगाई करने के लिए, मगर दादी सा का प्रेशर ही इतना है कि वो अंगूठी तक उसको पहना देता है। वो भी अभीरा के पैरों पर गिरती है अंगूठी, मतलब गॉड का इशारा है कि ये नहीं होना चाहिए, मगर गॉड से लड़ने वाली दादी तो फिर सब कुछ करवा सकती है, ऐसा अभी तक यही दिखाया गया है। मनीष जी का आशीर्वाद नहीं मिलता बल्कि बुद्धि आए, ये आशीर्वाद वो देते हैं कि आप दोनों की सद्बुद्धि जो है कायम रहे। तो वो चीजें होने के बाद जब ये सब हम देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अभीरा जो है वहां पे खाना नहीं खाती है, इतनी भूख के बावजूद भी वो रूही और अरमान की सगाई के लड्डू नहीं खा पाती है। इसी से पता चलता है कि कितना प्यार है अभीरा का, और अभीरा खुद भी मानती है कि मुझे इतना प्यार क्यों है कि मैं अपना करियर तक दांव पे लगा रही हूं। अब प्यार चीज ही ऐसी है, क्या कर सकता है इंसान, बड़े बड़ों को झुका दिया इस प्यार ने। तो ये अभीरा का प्यार जो है अब अरमान तक पहुंचेगा, और अरमान का सोया हुआ प्यार भी जागेगा। खैर ये तो मुझे एक ड्रीम लग रहा है कि अभीरा के द्वार पे अरमान खड़ा है। अरमान तो नहीं होगा, वही बंदा होगा, बट अगर अरमान है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब चाहे उसके दरवाजे तक अरमान पहुंचे या ना पहुंचे, मगर अरमान को ये एहसास हो गया है कि अभीरा मुसीबत में है, उसके पास पैसे तक नहीं है। अब किसी भी तरीके से अरमान अभीरा की मदद तो करेगा, तो देखते हैं कैसे ये ट्रैक आगे बढ़ता है, लेट्स सी। तो आज की एपिसोड काफी दुख देने वाली थी, तो क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।